देख रहे हैं यूपी खबर। झूठी अफवाह फैलाने और आम जनता को भड़काने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही, एसपी संभल। पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद का कड़ा रुख, झूठी अफवाह फैलाने और भड़काने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्यवाही। धारा 144 का उल्लंघन करने वाले आएंगे कार्यवाही की जद में। नागरिकता संशोधन बिल को लेकर आम जनता से अपील, किसी के बहकाव में नहीं आए आम लोग। सपा सांसद डॉक्टर शफीक उर रहमान वक एवं सदर विधायक इकबाल महमूद के बिल के विरोध में ज्ञापन से पूर्व संभल में भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद। संभल नगर पालिका मैदान के अलावा पूरा शहर छावनी में तब्दील। आज आह्वान किया है ज्ञापन देने का, यहाँ पे मीटिंग करके इन सब चीज़ से बात कर लिया गया है। जो इनका जुलूस और उस टाइप का प्रोग्राम था उसको कर्टेल कर दिया गया है और सभी को बता दिया गया है कि धारा 144 लागू है, शांतिपूर्ण तरीके से अपना ज्ञापन दे दें और उसके बाद कोई भी इस तरीके की न्यूसेंस नहीं हो। किसी ने भी अगर अफवाह फैलाने की कोशिश की सोशल साइट पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी पे निगाह रखी जा रही है, लगातार उस पे वाचफुल हैं हम लोग। इंटरनेट को भी आज सस्पेंड किया गया है और जितने भी सोशल साइट है इस पे निगाह रखी जा रही है। चौराहों चौराहों पे नुक्कड़ में सभाएं करके सभी को ये बताया जा रहा है कि कोई भी कानून जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है वो भारतीय के किसी भी भारतीय के खिलाफ नहीं है, सभी भारतीय के समर्थन में बनाया गया है। जो भी हिंदुस्तान में रहता है उसका पूरा अधिकार है और वो अधिकार बना रहेगा। भारतीय संविधान धारा जो अपनी आर्टिकल 21 है उसके आधार पर सभी को नागरिकता का अधिकार देता है, सभी को जीवन का अधिकार देता है। इसी में समाहित है कि सभी को जो गरिमापूर्ण जीवन है उसके आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा, ना ही जाति के आधार पर, ना धर्म, भाषा, संप्रदाय, संस्कृति, किसी आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो सभी के लिए है, सभी को नागरिकता प्रदान करने के लिए है, यहाँ पर किसी को बाहर नहीं निकाला जाएगा, ऐसा सभी को बताया जा रहा है। नुक्कड़ सभाएं की जा रही है, जो लोग कुछ फिरकापरस्त ताकते हैं, जो लोग अलगाव फैलाना चाहते हैं उनको समझाया जा रहा है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। जो ऐसे लोग हैं उनको चिन्हित भी किया गया है और जो सोशल साइट्स पे मैसेज फैला रहे हैं, फेक मैसेज फैला रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा भी लिखा जाएगा, उन्हें जेल भी भेजा जाएगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अफवाह फैलाएगा, जो लोगों को बरगलाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से क्या पुलिस फोर्स तैनात की? सभी जगह हमारे पुलिस बल तैनात है, दोनों जो ज्ञापन स्थल है वहाँ पे पुलिस पर्याप्त लगाई गई है। एक कंपनी CAPF भी मिली है, उसको भी डिप्लॉय किया गया है और लगातार पुलिस बल पूरे जनपद की लगी हुई और संवाद भी स्थापित किया जा रहा है, जगह जगह बात करके सभी को आश्वस्त किया जा रहा है कि अपना शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दे करके अपने अपने घर जाएं। कोई भी न्यूसेंस करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की।